हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मलकानिया। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक 6 महीने के बच्चे का एक स्वेटर। और ये 6 महीने से लेके 1 साल तक आराम से ये स्वेटर जो है वो आएगा। तो ये मैं गोल गले वाला स्वेटर जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको मैंने यहाँ पे जिस तरीके से बनाया है वो मैं आपको बताती हूँ, और गोल गले की कटिंग कैसे की जाती है वो मैं इसमें बताऊँगी, और गोल गले को बनाया कैसे जाता है, और कंधों की कटाई जो है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कि किस तरीके से हमने आर्म होल यहाँ पे रखने हैं। तो ये देखिए, ये जो है इसकी साइड वाली पट्टी है, और यहाँ पर ये है इसका बैक वाला पल्ला, यानी पिछला पिछला पल्ला है ये इस स्वेटर का। ये देखिए, ये इस तरीके से है। और ये मैंने यहाँ पे इसमें मैंने 52 फंदे यहाँ पे नीचे रखे हैं जो इसका बॉर्डर है उसके लिए। बॉर्डर आप अपनी पसंद का जो आपको अच्छा लगे वो आप बना लें। मेरे पास ये थोड़ी फर वाली ऊन थी और सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसका ही यहाँ पे ये बनाया है। और इसको मैंने नीचे से 10 नंबर सिलाइयों पे स्टार्ट किया है यहाँ पर, और ऊपर मैंने यहाँ पे 9 नंबर सिलाई जो है इसमें यूज़ की है इस पल्ले को बनाने के लिए, जो ये बैक साइड वाला पल्ला है। और इसका मैंने ये 1.5 1.5 इंच के करीब इसका मैंने बॉर्डर बनाया है, और 52 फंदे जो हैं मैंने इसमें रखे हैं, एक उल्टा एक सीधा फंदा यहाँ पे बनाया है। और उसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए, ये यहाँ पर 8 इंच बुनने के बाद मैंने इसको बॉर्डर से लेके जो यहाँ पे आर्म होल स्टार्ट किया है वहाँ तक मैंने 8 इंच इसको बुना है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका आर्म होल जो है बनाया है। और इसका आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पे, ये मैं आपको अभी बताऊँगी, कटिंग करके बताऊँगी। तो इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे देखिए 5 इंच के करीब मैंने इसको यहाँ 4.5 5 इंच मैंने इसको बनाया है ऊपर। आप 4 इंच भी बना सकते हैं और 5 इंच भी बना सकते हैं। कंधा थोड़ा लूज ही रखें क्योंकि बच्चे अगर टाइट हो ना स्वेटर तो बच्चे तंग होते हैं, रोते हैं बहुत, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा लूज़ ही रखा है। तो ये है इसका बैक साइड वाला हिस्सा, ये देखिए, और ये इसके मैंने यहाँ पे कंधे बनाए हैं। इसमें आपको मैं अगले अगली जो इसकी ये साइड वाली एक पट्टी है उसमें मैं आपको ये कटिंग करके दिखाऊंगी, गले की भी और कंधे की भी कटिंग कैसे कैसे मैंने करी है। तो ये क्योंकि सारी स्वेटर का बनाएंगे ना तो बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाती है, तो आपको यहाँ से ही समझ आ जाएगा कि कितना हमने इसमें रखना है। तो यहाँ पर मैंने 52 फंदे यहाँ पे पिछले पल्ले के लिए मैंने लिए थे, तो यहाँ पे मैंने ये 26 फंदे यहाँ पर लिए हैं, 26 फंदे, और उसके बाद यहाँ पर 6 इंच जो है मैंने यहाँ पट्टी के लिए रखा है। ये साइड पे ये जो है ये बटन होल वाली पट्टी है इस तरफ की, इसको मैंने 6 इंच यहाँ पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, 6 फंदे अलग से। यहाँ 26 फंदे रखने के बाद मैंने यहाँ पे 6 फंदे और यहाँ पे रखे हैं पट्टी के लिए। और इसकी एक साइड वाली जो ये पट्टी है वो मैंने बना ली है, एक साइड वाला पीस जो है वो यहाँ पर मैंने बना लिया है, और ये बटन होल वाली पट्टी जो है वो अभी मैं बना रही हूँ, तो वही आपको यहाँ पे सारा कुछ मैं इसके साथ आपको शेयर करूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये बनाई हुई है इसी तरीके से। तो ये अब इस पे मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से इसकी घटाई यहाँ से कंधे की करूँगी, और आगे जो पट्टी है उसको हमने कैसे यहाँ पे गले की कटाई करनी है। तो ये हम यहाँ पे शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो ये फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने अब 8 इंच बुन लिया है, बॉर्डर से लेके यहाँ ऊपर तक हाइट इसकी 8 इंच बुनाई करने के बाद हम यहाँ पे कंधे की कटाई करेंगे। तो ये स्वेटर जो है ये है 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को ये स्वेटर आराम से आएगा। तो इसकी कटाई हमने इस तरीके से करनी है। ये मैं एक साइड से यहाँ पे कर रही हूँ, ये यहाँ पर एक फंदा ऐसे सीधा उतार लिया, उसके बाद एक और फंदा हमने बुन लिया। अब हमने यहाँ पर ये एक फंदा यहाँ पे घटा दिया, उसके बाद फिर एक फंदा और घटाएंगे यहाँ पे। ये यहाँ पर मैंने एक साथ 2 फंदे यहाँ पे घटा लिए, ये एक के ऊपर एक फंदे को ऐसे हमने उतारना है, बाकी फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। सीधे सीधे मैं बुन रही हूँ, इसमें मैं कोई डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ। और अभी तक हमने जो हमारी पट्टी है ना आगे,
उसको अभी हमने बुनते जाना है, क्योंकि हम ये कर रहे हैं गोल गले की कटाई। इसके गोल गले की कटाई है तो वो मैं इसमें आपको आगे बताऊंगी। तो ये सिलाई हम ऐसे सीधी सीधी करेंगे, और जो बटन होल वाली पट्टी है वो मैं सीधा एक उल्टा एक सीधा ही बुन रही हूँ, जैसे मैंने बॉर्डर बुना है उसी तरीके से मैं इसको बुन रही हूँ यहाँ पे। तो ये बिल्कुल सिंपल मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, बटन जो हैं, बटन होल जो हैं, मैं किसी और वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी, अलग से वीडियो उसके लिए बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बटन होल इसमें बनाया है। ये उल्टा और सीधे फंदे हैं यहाँ पर मेरे पास। तो ये इस तरह से हमने ये एक सिलाई में यहाँ पे दो फंदे यहाँ पे कटिंग घटाए हैं यहाँ पर। तो अब ये उल्टी सिलाई ऐसे उल्टी ही है, इसको मैं सारा करके फिर आगे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम फिर आगे वहीं पे ही कटिंग की जगह पे। तो यहाँ पे देखिए, फिर से हमने यहाँ पर एक फंदा उतार लिया। ये यहाँ पे ऐसे करके पिछले वाले फंदे को उठाएंगे और अगले वाले फंदे को ऐसे निकाल देंगे, एक और ये दो। यहाँ पे दो फंदे मैंने फिर से घटा दिए, तो यहाँ पर हमारे हो गए चार फंदे। तो अब ये सिलाई मैं ऐसे ही बुन लेती हूँ आगे तक, सिंपल सीधी। दो फंदे मैंने अब घटाए, दो फंदे मैंने पहले घटाए थे पिछली सिलाई में, तो यहाँ पे हो गए चार फंदे। तो फ्रेंड्स, अब हम उल्टी सिलाई जो है, सारी उल्टी सिलाई ऐसे ही करेंगे। उल्टी सिलाई में हमने यहाँ पर कोई घटाई नहीं करनी। जब हम सीधी साइड पे आएंगे ना, फिर हम इसमें घटाई करेंगे, उल्टी साइड पे ना करें। और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ आवाज़ें बीच में आ रही हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ काम चल रहा है, तो आप इसके लिए सॉरी डिस्टर्ब। अब हम आगे सीधी साइड पे। तो अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दो फंदे पहले घटाए थे, दो फंदे फिर दोबारा घटाए थे। अब यहाँ पर हम एक ही फंदा घटाएंगे। यहाँ पे हमने टोटल पांच फंदे घटाने हैं। ये एक फंदा घटाया है हमने यहाँ पे। अब हम इसको सीधी सिलाई पूरी पूरी ऐसे बुन लेंगे। और अब हमने ये पूरा 1.5 इंच बुनना है ऊपर तक, जो ये घटाई हमारी हो गई यहाँ पे कंप्लीट। टोटल मैंने यहाँ पर पांच फंदे यहाँ पे कट किए, दो घटाए, दो घटाए, फिर उसके बाद एक घटाया यहाँ पे। तो ये पांच फंदे, उसके बाद हम यहाँ से कंधे से इसके ऊपर हम 1.5 इंच बुनेंगे, फिर हम आगे गले की कटाई जो है वो शुरू करेंगे यहाँ से। तो ये मैं 1.5 इंच बुनने के बाद फिर मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप भी बुन लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे ये 1.5 इंच हमने यहाँ पे बना लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना भूल गई हूँ कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे 25 फंदे लिए थे नीचे, और उसके बाद यहाँ पे 6 फंदे पट्टी के हैं अलग से, और यहाँ पर मैंने 3 फंदे यहाँ पर और बढ़ाए हैं, और यही 3 फंदे मैंने पिछले पल्ले में भी बढ़ाए थे यहाँ पे, जो ये वाला पल्ला बनाया था बैक साइड वाला, इसमें भी मैंने जब यहाँ बॉर्डर के बाद स्टार्ट किया था तो 3 फंदे यहाँ पर मैंने बढ़ाए थे। तो ये हमने अब 1.5 इंच बना लिया है। तो अब हम गले की कटाई करेंगे यहाँ पर, देखिए इसके बराबर। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा ये गले का ये पट्टी है, पट्टी को हम थोड़ा सा बना लेंगे, यहाँ तक 6 फंदे हम इसके बना लेंगे, फिर उनको हम यहाँ पे सिलाई पे उतार लेंगे। आप पिन पे भी उतार सकते हैं, सेफ्टी पिन वगैरह लेके। तो ये हम यहाँ पे 6 फंदे जो हैं अपने उल्टे सीधे जो मैंने बना के रखे, मतलब 6 फंदे जो बॉर्डर जैसे बनाए हैं, वो हम यहाँ पर बना लेंगे। तो ये हमारे हो गए, एक और बाकी है, ये हो गए 6 फंदे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे और बना लेंगे। एक फंदा मैंने यहाँ पे बना लिया, और इसको जो हमारे ये 6 फंदे इसके हैं, इनको मैं यहाँ पर, ये मेरे पास है ये स्टिच होल्डर है, इसको पिन है ये, इसको मैं यहाँ पे ये फंदों को इसमें पिरो के रख दूँगी, ताकि मेरे लिए बाद में इजी हो जाए। तो ये फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेफ्टी पिन होती है ना, उनमें भी आप इनको रख सकते हैं, या यहाँ से सुई से आप इन फंदों को किसी छोटे धागे में पिरो लें और उसके साथ यहाँ पे अच्छी तरह से गठ मार दें, या यहाँ पे अच्छे से उनको लपेट के छोड़ दें।
तो अब हमने ये फंदे, पट्टी वाले फंदे जो हैं, इनको साइड पे कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं उल्टी साइड से ही इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक फंदा बुना हमने, ये देखिए इसको हमने जैसे कंधे के फंदों को घटाया था ना, मुड्डे की कटाई करी थी, सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर भी ये दो फंदे बुन लिए। तो पिछले फंदे को उठा के हमने अगले वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देना है। तो एक फंदा घट गया यहाँ पे, ये दो हो गए, ये तीन फंदे हो गए, ये यहाँ पे घटा लिए हमने तीन फंदे, ये देखिए तीन। अब एक फंदा यहाँ पे अब हम और घटाएंगे, ये हमारे हो गए यहाँ पे चार फंदे। ये चार फंदे की कटाई हमने यहाँ पे कर ली, बाकी हम अभी ऐसे ही बुनते जाएंगे लास्ट तक। तो ये मेरी उल्टी सिलाई है, इसको बिल्कुल प्लेन ऐसे ही बुनना है मैंने, यहाँ पे पर्ल्स वाइज बुनना है इसको। तो इसको बुन के मैं आगे फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम आगे उल्टी साइड पे, और अब हमने फिर से यहाँ पे फंदे घटाने हैं। तो ये उल्टी साइड पे पहले हमने चार फंदे घटाए थे, अब हम यहाँ पे तीन फंदे घटाई करेंगे। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे, ये दो फंदे मैंने बुन लिए, ये एक और बुन लिया यहाँ पे, ये दो और ये तीन, तीन फंदे मैंने यहाँ पे घटा लिए। अब हम बाकियों को ऐसे ही बुनेंगे। अब फ्रेंड्स ये देखिए उल्टी साइड पे हम फिर से आ गए, अब हमने यहाँ पे दो फंदे फिर से घटाने हैं। ये हम उल्टी साइड पे ही घटा रहे हैं इस पीस पे, जो दूसरा हमने घटाया था वो सीधी साइड से आया था। तो एक और ये दो, अब हमारे यहाँ पे दो हो गए। आप यहाँ पे फ्रेंड्स अपनी मर्ज़ी से भी आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे चार या पांच भी करते हैं, कुछ लोग तीन से भी शुरू करते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे, जैसे बच्चा बड़ा है छोटा है उसके हिसाब से कम और ज़्यादा यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये मेरे दो फंदे यहाँ पे घट के, और अब हम आगे इसको ऐसे बुनते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने इसकी घटाई जो है यहाँ पे कर ली है, अब हमने इसको ऐसे ही ऊपर तक बनाना है। और ये जो यहाँ से कंधे से यहाँ से लेके ऊपर तक हमने इसको 5 इंच के करीब बुन, 4.5 या 5 इंच तक हमने इसको बुनना है, जितना मेरा दूसरा पीस मैंने बनाया है उसके बराबर मैंने इसको यहाँ तक बुनना है। तो ये हम ऐसे कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको इस स्वेटर को जोड़ना और इसका गला जो है कैसे बनाना है, गोल गला, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये शेयर करूँगी, क्योंकि एक वीडियो यहाँ पे बहुत लंबी हो जाती है। तो ये इसमें हो गई कंधे की कटाई और गले, गोल गले की कटिंग कैसे करनी हमने, तो वो हमने यहाँ पे सीखा। तो ये मैं अभी 5 इंच कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर एक बार आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे दोनों पल्ले जो हैं इसके बन गए, अगले वाले और पिछला वाला भी बन गया। तो ये होगी हमारी देखिए गले की कटिंग, और ये हो गई यहाँ से कंधे की कटिंग, ये देखिए यहाँ से कंधे की कटिंग हो गई, गले की कटिंग हो गई, अगला हिस्सा इसका पूरा रेडी हो गया, पिछला हिस्सा भी इसका रेडी है। लेकिन मैं आगे आपको गले का और इसको जो पिछले पल्ले के साथ इनको हमने फंदों को जोड़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि आप ज़रूर देखिएगा, और जल्दी ही मैं आपको ये वीडियो डालूंगी। तो फ्रेंड्स ये आपको कैसा लगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर फ्रेंड्स फंदे मैंने आपको बता ही दिए हैं, बाकी आप अपने अपने बच्चे के हिसाब से कम और ज़्यादा फंदे यहाँ पे कर सकते हैं, और उसके ही हिसाब से थोड़े से एक दो फंदे आगे पीछे यहाँ पे कटिंग में भी आप कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही, थैंक यू।